अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रयभीष्ट सिद्धये। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का स्वागत है स्वाध्याय की इस श्रृंखला में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार का। स्वाध्याय की श्रृंखला का यह हमारा 15वां भाग है। गत भाग में हमने समष्टि और व्यष्टि के रूप से स्थूल शरीर का वर्णन पढ़ा था कि जो स्थूल शरीर हैं यह समष्टि और व्यष्टि के रूप से एक और अनेक प्रकार का होता है, और स्थूल शरीर फिर और चार प्रकार का अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज के भेद से यह चार प्रकार का होता है। आज इस स्वाध्याय के 15वें भाग में हम इस स्थूल शरीर में रहने वाला जो समष्टि से उपहित चैतन्य विश्व और व्यष्टि से उपहित चैतन्य जो वैश्वानर, यह किस प्रकार से स्थूल विषयों का भोग करता है और इन स्थूल विषयों का भोग करने के लिए जो साधन भूत हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और अंतर इंद्रिय, उन इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता कौन कौन है और किस प्रकार से तत्तद इंद्रियों के द्वारा जागृत अवस्था में यह विश्व और वैश्वानर स्थूल विषयों का भोग करते हैं, तो इस विषय का स्वाध्याय आज हम इस स्वाध्याय के 15वें भाग में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। यहाँ तक ग्रंथकार ने समष्टि और व्यष्टि के रूप से स्थूल शरीर का वर्णन कर उस स्थूल शरीर में रहने वाली जो पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय, इन इंद्रियों का और इनकी जो अधिष्ठात्री देवताएं हैं उनका यहाँ ग्रंथकार वर्णन करते हुए इस प्रकार से कहते हैं कि तदानीम एतो, तदानीम का यहाँ अर्थ है उस अवस्था में अर्थात जागृत अवस्था में। आपको स्मरण होगा कि गत पाठ में हमने पढ़ा था कि यह जो स्थूल शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य, स्थूल शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य, यह दोनों जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का भोग प्राप्त करते हैं। तो ऐसी जो जागृत अवस्था है उस जागृत अवस्था में एतौ, एतौ का अर्थ है विश्व वैश्वानरो, यह विश्व और वैश्वानर क्रमशः क्या करते हैं। तो इस पैराग्राफ का अंतिम जो पद है उससे पहले एक लिखा हुआ है क्रियापद अनुभवतः, यानी ये दोनों अनुभव प्राप्त करते हैं। किसका अनुभव प्राप्त करते हैं? तो कहा कि यह स्थूल विषयान अनुभवतः, स्थूल विषयों का अनुभव प्राप्त करते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में यह जो चैतन्य है यह स्थूल विषयों का अनुभव करता है तत्त्व इंद्रियों के द्वारा। स्वप्नावस्था में यह सूक्ष्म विषयों का अनुभव प्राप्त करता है जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, और स्वप्नावस्था में वह जिन विषयों का अनुभव करता है वह वहाँ अंतःकरण की वृत्तियों के द्वारा, नाना प्रकार की अंतःकरण की वृत्तियों के द्वारा जो सूक्ष्म विषय हैं, वासना रूप विषय हैं, उनका वह अनुभव करता है। और तीसरी जो हमारी अवस्था पहले जो कही थी सुषुप्ति अवस्था, उस सुषुप्ति अवस्था में यह चैतन्य अज्ञान के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय का अनुभव नहीं करता है, यह वेदांत दर्शन की एक प्रक्रिया है। तो अब इस जागृत अवस्था में यह जो दोनों विश्व और वैश्वानर, यह दोनों स्थूल विषयों का अनुभव प्राप्त करते हैं। तो स्थूल विषयों का अनुभव प्राप्त करने के लिए इनके पास में क्या साधन है? तो साधन के रूप में यहाँ इनके पास में पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय, यह इतनी सामग्री इनके पास में रहती है। इन सामग्री के द्वारा, इन साधनों के द्वारा यह दोनों स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। अब ये जो पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच कर्म इंद्रिय और अंतःकरण की उत्पत्ति कैसे होती है, यह जब हमने पंचीकरण की प्रक्रिया पढ़ी थी वहां भी बताया था। आपको याद होगा कि ये जो हमारे ज्ञान इंद्रिय है यह अपंचीकृत भूतों का जो व्यस्त सात्विक अंश है उससे हमारी ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और उन्हीं अपंचीकृत भूतों का जो व्यस्त, व्यस्त का यहाँ अर्थ है भिन्न भिन्न,
जो रजोगुण है उस रजोगुण से कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति होती है और अपंचीकृत भूतों के मिलित सत्व गुण से अंतःकरण चतुष्टय की उत्पत्ति होती है। यह इसकी उत्पत्ति के विषय में पहले बता दिया। अब हमारा ये जो शरीर है, तो जब इस शरीर की उत्पत्ति होती है, स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है, तब इस स्थूल शरीर में ये जो तत्तद इंद्रिय हैं, उन इंद्रियों का भी शरीर के विभिन्न भागों में अवस्थान हो जाता है। यानी शरीर के विभिन्न भागों में यह इंद्रियां वहां आकर अपना अपना कार्य करने लगती हैं। अब ये जो हमारी जो स्थूल इंद्रियां हैं, भले ज्ञानेन्द्रिय हो या कर्मेंद्रिय हो, ये वस्तुतः अचेतन होती हैं, किंतु इन इंद्रियों में जब तक कोई न कोई चैतन्य अथवा उनका उन इंद्रियों का जो अधिष्ठात्री देवता जो चेतन होता है, वह जब तक अधिष्ठात्री देवता उस इंद्रिय में रहती है, तभी तक वह इंद्रिय कार्य करती है। अन्यथा क्या होगा कि यदि हम केवल जैसे हमारी यह जो कर्ण शुष्कली है, इसको ही हम अगर कर्ण इंद्रिय माने, अथवा हमारा जो ये गोलाकार जो नेत्र हैं, इसको ही हम इंद्रिय माने, वस्तुतः यह इंद्रिय के रहने का स्थान है, जिसको हम कहते हैं उसका अधिष्ठान है। इंद्रिय तो इसके अंदर रहने वाली उस विषय का ग्रहण करने वाली शक्ति का नाम है। तो उसी तरह से जितनी भी इंद्रियां हैं, वह सभी इंद्रियां तत्तद अधिष्ठात्री देवताओं के द्वारा नियंत्रित तो होती हुई अपने अपने विषय का ग्रहण करती हैं। कैसे ग्रहण करती हैं, यहाँ ग्रंथकार उसी का वर्णन कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं। तो कहा कि तदानीम एतो, यानी उस जागृत अवस्था में एतो, यानी यह दोनों विश्व और वैश्वानर क्या करते हैं। तो कहा अब यहाँ जो पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, उन पांच ज्ञानेन्द्रिय के पांच अधिष्ठात्री देवताओं का क्रमशः नाम लिया गया है। कौन कौन से? तो कहा दिक् वातार्क वरुणाश्वि भी, यानी दिक् वात अर्क वरुण और अश्विनौ, ये जो पांच अधिष्ठात्री देवताएं हैं, इनके द्वारा क्रमात् का अर्थ है क्रमशः, यानी क्रमशः जो नियंत्रितेन श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन, जो श्रोत्रादि इंद्रिय पंचक है, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, इस क्रम से हम ये क्रम हम यहाँ बनाए रखे, इस क्रम से पांचों जो ज्ञानेन्द्रियों को अगर हम रखेंगे, तो पांचों ज्ञानेन्द्रियों का जो क्रमशः श्रोत्रादि इन ज्ञानेन्द्रियों के क्रमशः जो अधिष्ठात्री देवता हैं, वह दिक् वात अर्क वरुण और अश्विनो यह है। अब ये पांच ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा हम किस किस विषय का अनुभव प्राप्त करते हैं? तो कहा क्रमात् क्रमशः इन पांच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा यह जो विश्व और वैश्वानर हैं, यह किन विषयों का अनुभव प्राप्त करते हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंधान, अर्थात कि जो श्रोत्र इंद्रिय हैं, उस श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जिसका अधिष्ठात्री देवता दिक् हैं, और वह श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा विश्व और वैश्वानर शब्द का ग्रहण करते हैं, यानी हम श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द नामक विषय का ग्रहण करते हैं, त्वग इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ग्रहण करते हैं, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा रूप का ग्रहण करते हैं, रसन इंद्रिय के द्वारा रस का ग्रहण करते हैं, और घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध का ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रियों के ये पांच अधिष्ठात्री देवता, यह क्रमशः अभी हम ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का सरल अर्थ करके फिर और जो इसका गूढ़ अर्थ है वह हम आगे प्रतिपादित करेंगे। उसके बाद में कहा कि अग्निन्द्रोपेन्द्र यम प्रजापति भी क्रमान नियंत्रितेन वागादि इंद्रिय पंचकेन, कहा कि जो अग्नि इंद्र उपेन्द्र यम और प्रजापति इन पांच अधिष्ठात्री देवताओं के द्वारा क्रमशः क्रमात् क्रमशः जो नियंत्रित, कौन नियंत्रित है? वागादि इंद्रिय पंचकेन वाक पाणी पाद पायु उपस्थित, जो पांच कर्मेंद्रिय है, इन पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा क्रमशः ये जो विश्व और वैश्वानर हैं, वह जागृत अवस्था में किन विषयों का अनुभव करते हैं? तो कहा कर्मेंद्रियों के द्वारा वचनादान गमन विसर्गानंदान, यानी
कर्म इंद्रियों के द्वारा क्रमशः जो वाग इंद्रिय है उसके द्वारा वचन वचन का ग्रहण करता है, जो वाक पाणी पाणी इंद्रिय है उसके द्वारा आदान का, पाद के द्वारा गमन का, पायु के द्वारा विसर्ग का और उपस्थ के द्वारा आनंद, इनका इन पांचों विषयों का, इन पांच ज्ञान कर्म इंद्रियों के द्वारा, ये जो पांच अधिष्ठात्री देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती हैं, इन विषयों का भोग यह स्थूल जो स्थूल विषयों का भोग जागृत अवस्था में विश्व और वैश्वानर प्राप्त करते हैं। तो अभी तक यहाँ पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेन्द्रिय उनके अधिष्ठात्री देवता और उनके विषय बता दिए। अब जो अंतरिंद्रिय है यानी जो अंतःकरण चतुष्टय है उसके बारे में कहा कि चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युत ही, यानी चंद्र चतुर्मुख शंकर और अच्युत, ये जो क्रमशः चार अधिष्ठात्री देवता है इन देवताओं के द्वारा क्रमान नियंत्रित न क्रमशः जो नियंत्रित कौन कौन नियंत्रित हैं, तो कहा मनोबुद्धि अहंकार चित्ताख्येन, मन बुद्धि अहंकार और चित्त इस नाम वाले ये जो अंतरिंद्रियेन अंतरिंद्रिय चतुष्केण, ये जो अंत इंद्रिय जो चतुष्क हैं यानी जो अंतरिंद्रिय, ये जो पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच कर्म इंद्रिय हैं, यह तो बाह्य इंद्रिय कही जाती है क्योंकि इनके द्वारा हम बाह्य विषयों का ग्रहण करते हैं, किंतु जो मन बुद्धि अहंकार और चित्त जिसको हम यहाँ अंतरिंद्रिय कहते हैं, उन अंतरिंद्रिय के द्वारा हम आंतरिक विषयों का ग्रहण करते हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष काम संकल्प स्मरण, इन सभी आंतरिंद्रिय विषय अंत विषयों का हम ग्रहण करने के कार्य करते हैं, इसलिए इनको हम यहाँ अंतरिंद्रिय कहते हैं। तो इन चंद्र चतुर्मुख शंकर और अच्युत इन चार अधिष्ठात्री देवताओं के द्वारा क्रमशः नियंत्रित जो मन बुद्धि अहंकार और चित्त हैं, जो अंतरिंद्रिय चतुष्कम हैं, उसके द्वारा क्रमशः किस स्थूल विषयों का ग्रहण किया जाता है, तो कहा संकल्प निश्चय अहंकार्य चेतांश्च, यानी जो मन है उसके द्वारा संकल्प का ग्रहण किया जाता है, संकल्प किया जाता है, बुद्धि है उसके द्वारा निश्चय किया जाता है, जो हमारा अहंकार है उसके द्वारा अभिमान किया जाता है, और जो हमारा चित्त है उसके द्वारा स्मरण का स्मरण नामक विषय का ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार के ये जो विषय हैं सर्वानेतान, इस प्रकार के ये समस्त विषय हैं, इन समस्त विषयों का स्थूल विषयान, और ये जो विषय यहाँ बताए गए हैं शब्द स्पर्श रूप रस वचनादान इत्यादि और संकल्प इत्यादि जो विषय बताए हैं, इन सभी स्थूल विषयों का जागृत अवस्था में यह विश्व और वैश्वानर ये दोनों यह इन विषयों का अनुभव प्राप्त करते हैं। इस विषय में ग्रंथकार यहाँ श्रुति प्रमाण भी दिखाते हैं कि जागृत स्थानों बहि प्रज्ञः इत्यादि श्रुते है, जागृत स्थानों जागृत अवस्था में बहि प्रज्ञः जो यह विश्व और वैश्वानर हैं, यह बाह्य विषयों का ग्रहण प्राप्त करते हैं, और बाह्य विषयों का ग्रहण बाह्य इंद्रियों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से यह जो विश्व और वैश्वानर के द्वारा जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का अनुभव किस प्रकार से किया जाता है, उसका ग्रंथकार ने जो वर्णन किया, हमने यहाँ पंक्तिशः उसका अनुवाद किया। अब हम ये जो समग्र ये जो विषय हैं, इस विषय को एक चित्र के माध्यम से भी हम देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ ये चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र में आप देखिए कि ये जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर की जो समष्टि है, उस समष्टि से उपहित चैतन्य को वैश्वानर कहते हैं, और स्थूल शरीर की व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है उसको हम यहाँ विश्व कह रहे हैं। तो यहाँ हम इस चित्र में जैसे देख रहे हैं कि ये जो हमारी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय और अंतरिंद्रिय का जो वर्णन और उन इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देवता और उनके विषयों का वर्णन किया गया है, इसका हम थोड़ा सा और थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करते हैं कि ये जो हमारी इंद्रियां कही गई हैं, तो
उन इंद्रियों, ये जो इंद्रिय जिस जिस चैतन्य भाग में अस्तित्व को प्राप्त करती हैं, तो उस चैतन्य भाग से संबद्ध एक एक देवता होता है, और वह जो देवता है अपने से संबद्ध चैतन्य भाग में अस्तित्व प्राप्त करके इंद्रियों का नियंत्रण करता है, और इन अधिष्ठात्री देवताओं के नियंत्रण में रहकर ही इंद्रियां अपने अपने विषयों का अनुभव करती हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, श्रोत्र इंद्रिय है, तो श्रोत्र इंद्रिय क्योंकि विभिन्न दिशाओं में उत्पन्न होने वाले शब्दों को उन दिशाओं के भाग में पहुंचकर ग्रहण करती है, इसलिए श्रोत्र इंद्रिय है, उसका अधिष्ठात्री देवता है दिक्, यानी दिक्पाल देवताओं से श्रोत्र इंद्रिय का नियंत्रण होता है। और जो हमारी स्पर्श है, तो त्वगिंद्रिय है, वह त्वगिंद्रिय शरीर का जो आच्छादकीय जो त्वक यानी चर्म है, उस चर्म में फैले वायु से अनुभव योग्य बनाए हुए शरीर से जो छू जाने वाले पदार्थों के स्पर्श का अनुभव उत्पन्न करता है, इसलिए जो त्वगिंद्रिय है उस त्वगिंद्रिय का अधिष्ठात्री देवता वायु देवता है, यानी जो त्वगिंद्रिय है वह उसका वायु देवता से उसका नियंत्रण माना जाता है। तीसरी जो ज्ञानेन्द्रिय है वह है चक्षुरिंद्रिय, और चक्षुरिंद्रिय का अधिष्ठात्री देवता यहाँ कही गई है अर्क, अर्क यानी सूर्य, तो जो चक्षु है वह सूर्य से प्रकाशन की क्षमता प्राप्त करके यानी देखने की क्षमता प्राप्त करके जो सामने रखे गए पदार्थ हैं उन पदार्थों के देखने को हमारी उन पदार्थों को देखने के लिए हमारी आँखों को शक्ति देता है, इसलिए ये जो सूर्य है इस सूर्य के द्वारा यह चक्षुरिंद्रिय नियंत्रित मानी जाती है। चौथी जो हमारी इंद्रिय है वह है रसनेन्द्रिय, और उस रसनेन्द्रिय का अधिष्ठात्री देवता कहा गया है वरुण, तो वरुण देवता जल का स्वामी है, और उस वरुण देवता से शक्ति प्राप्त कर जो रसन यानी जल के रस गुण को ग्रहण करती है हमारी रसनेन्द्रिय, इसलिए ये जो रसनेन्द्रिय है वह वरुण देवता के द्वारा नियंत्रित मानी गई है। पांचवी जो ज्ञानेन्द्रिय है वह है हमारी घ्राण इंद्रिय, तो घ्राण इंद्रिय के द्वारा हम गंध का ग्रहण करते हैं, तो ये जो अश्विन देवता से शक्ति प्राप्त करके घ्राण है वह घ्राण इंद्रिय पृथ्वी का जो गुण गंध है उस गंध का ग्राहक होता है, इसलिए इस घ्राण इंद्रिय का जो अधिष्ठात्री देवता है वह है अश्विन, ये इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अब हम कर्मेंद्रिय के बारे में समझते हैं, तो कर्मेंद्रिय का जो अधिष्ठात्री देवता है वह कहा गया है, कर्मेंद्रिय में जो वाक है सबसे पहले वाक का जो अधिष्ठात्री देवता है वह अग्नि को कहा गया है, तो शरीर में जब तक अग्नि की जो ऊष्मा रहती है तभी तक हम बोल पाते हैं, यानी तभी तक वाग इंद्रिय बोल पाती है, इसलिए अग्नि से शक्ति प्राप्त करके बोलने में समर्थ होने से ही जो वाक है वह वाक अग्नि के द्वारा नियंत्रित मानी जाती है। दूसरी हमारी कर्मेंद्रिय है पाणी, और उसका अधिष्ठात्री देवता बताया है इंद्र को, तो जो ऐश्वर्यशाली देवता का नाम है इंद्र, और उस इंद्र से पाणी में जो ऐश्वर्य यानी बल प्राप्त होने से ही पाणी यानी हमारी जो हाथ है वह किसी भी पदार्थ के आदान अथवा प्रदान में समर्थ होता है, इसलिए पाणी इंद्रिय का अधिष्ठात्री देवता इंद्र को माना है, यह बिल्कुल युक्तियुक्त है। तीसरी जो कर्म इंद्रिय है वह है पाद, और उस पाद का अधिष्ठात्री देवता माना है उपेंद्र को, जिसके द्वारा हम विहरण नाम का विषय करते हैं, यानी उसका जो विषय है वह विहरण है, तो उपेंद्र इंद्र के बाद उत्पन्न होने वाले विष्णु का नाम है, और विष्णु में जगत को व्याप्त करने की शक्ति होती है, और पाद के द्वारा भी हम गति करके देश के बहुत भाग में हम पहुंच सकते हैं, यानी वहां भी हम व्याप्त हो सकते हैं, इसलिए ये जो कार्य करने की क्षमता है यह उपेंद्र से ही प्राप्त होती है, इसलिए पाद इंद्रिय है वह उपेंद्र के द्वारा नियंत्रित होता है, यह ग्रंथकार ने यहाँ कहा है। चतुर्थ जो कर्मेंद्रिय है वह है पायु इंद्रिय, और उसका अधिष्ठात्री देवता बताया है यम को, और उस पायु इंद्रिय का जो विषय है वह है उत्सर्ग, यम का कार्य है यमन करना है ना, यमन का अर्थ है कि जो वस्तु जहां रहने के योग्य न रह जाए उसे वहां से बाहर फेंक देना, यानी पूरे व्यवस्था बनाना
कि जो रहने योग्य वस्तु अगर रहती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और शरीर में रहने योग्य वस्तु अगर नहीं है, उस वस्तु को शरीर से अगर बाहर नहीं करेंगे तो हमारा शरीर रुग्ण हो सकता है। तो ये जो यम है, यह यम भी यह कार्य जो हमारे इस प्रकार का जो कार्य है, यानी शरीर में जो अपशिष्ट रहने योग्य, रहने नहीं योग्य जो पदार्थ है, उनको शरीर से बाहर कर देने का काम वायु के द्वारा संपादित होता है। इसलिए यह जो वायु इंद्रिय है, यह शरीर के भीतर निरर्थक हो जाने वाले मल को बाहर निकाल देता है, और यह क्षमता इस वायु इंद्रियों को यम देवता के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए इस वायु इंद्रियों को यम के द्वारा नियंत्रित माना जाता है। कर्मेंद्रिय में पांचवी जो कर्मेंद्रिय है वह है उपस्थ, और उसका अधिष्ठात्री देवता कहा है प्रजापति को, और उसका विषय है आनंद। तो प्रजापति है वह संतान को जन्म देने के लिए अधिकृत देवता है, यानी समस्त संसार का जो कारण है वह प्रजापति है। हम सभी प्रजापति की ही संतान है ऐसा हम मानते हैं। तो स्त्री और पुरुष के उपस्थ के द्वारा निर्गत जो रज और वीर्य के सम्मिश्रण से संतान का जन्म होता है, और इस स्त्री और इस मिश्रण से ही जो स्त्री और पुरुष को आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए उपस्थ को इस सामर्थ्य का लाभ प्रजापति से प्राप्त होता है। इसलिए इस उपस्थ नामक कर्मेंद्रिय का अधिष्ठात्री देवता प्रजापति है, यह ग्रंथकार ने बहुत युक्तियुक्त कहा है। तो अभी तक हमने ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय के जो अधिष्ठात्री देवता और उनके विषय का वर्णन किया। अब अंतर इंद्रिय के विषय में भी देखते हैं कि ये जो इनका अधिष्ठात्री देवता चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, शिव ब्रह्मा, इनको जो कहा है उनका तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले यहाँ जो अंतर इंद्रिय में मन, मन का अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा को कहा है, और उसका विषय संकल्प कहा है। तो जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की ये जो चारु चांदनी है, उससे चमत्कृत होकर मन अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करता रहता है। अगर चंद्रमा की चांदनी में हम बैठे हैं, अगर कोई कोई भी बैठा है, तो उसके मन में भी कवित्व, अलग अलग प्रकार के संकल्प विकल्प, अलग अलग प्रकार के नए नए भाव आते रहते हैं। तो मन और चंद्रमा का कार्य कारण भावात्मक संबंध भी है, इसलिए चंद्रमा से मन की शक्ति का संवर्धन होने के कारण मन को चंद्रमा से नियंत्रित माना जाता है। अंतर इंद्रिय में दूसरी जो अंतर इंद्रिय है वह है बुद्धि, और बुद्धि का अधिष्ठात्री देवता कहा है चतुर्मुख को। चतुर्मुख का अर्थ है ब्रह्मा, और बुद्धि का जो विषय है वह निश्चय है। तो ये जो चतुर्मुख ब्रह्मा ही सबसे पहले बुद्धि का जन्म स्थान कहे जाते हैं, क्योंकि उसमें बुद्धि का उन्मेष उन्मेष होने पर ही उस उनमें जो विद्यमान ज्ञान के जो मूलभूत चार वेद हैं, और उन वे और उसी की वेदों की ईक्षण इत्यादि वृत्तियों के द्वारा और प्रजापति की ईक्षण इत्यादि वृत्तियों के द्वारा इस जगत का निर्माण हुआ। इसलिए बुद्धि में विषयाकार परिणमन की शक्ति उसी से प्राप्त होने के कारण बुद्धि का अधिष्ठात्री देवता चतुर्मुख को माना गया है। और अंतर इंद्रिय में तीसरी अंतर इंद्रिय है अहंकार, और अहंकार का जो अधिष्ठात्री देव है वह है शिव, और अहंकार का विषय है वह गर्व कहा गया है। अहंकार मनुष्य मनुष्य के संहार का कारण है। तो अहंकार से ग्रस्त होकर मनुष्य है वह पतन की तरफ बढ़ता जाता है, और अंततोगत्वा नष्ट हो जाता है। और इस संहार के यानी प्रलय के अधिष्ठात्री देव हैं शंकर। इसलिए शंकर की संहार इच्छा से ही मनुष्य में संहारक अहंकार का उदय होने के कारण अहंकार को शंकर के द्वारा नियंत्रित माना गया है। अंतर इंद्रिय में अंतिम जो इंद्रिय है वह है चित्त, और चित्त का अधिष्ठात्री देवता विष्णु को कहा है, और चित्त का विषय कहा है स्मरण। अच्युत का अर्थ है कि जो चित्त का विरोधी हो, यानी विष्णु के अनुग्रह से यह संसार अपने समय से पहले च्युत नहीं हो पाता है। हमारा जो शरीर है वह भी समय से पहले च्युत नहीं हो पाता है, और वह जो विष्णु है वह स्वयं भी निसर्ग नित्य होने से कभी भी च्युत नहीं होते हैं।
चित्त भी उनके अनुग्रह से चेतना शक्ति पाकर अपनी चेतना में आए समस्त पदार्थों को संस्कार के रूप में वह रखता है, अवस्थित रखता है, जिसके फल स्वरूप से चित्तारूढ़ पदार्थों का कभी भी विस्मरण नहीं होता, उन पदार्थों की कभी भी च्युति नहीं हो पाती। इसलिए यथाकाल उन और उन पदार्थों की हमें यथाकाल स्मृति होती रहती है। इसलिए इस ये जो हमारा जो चित्त है, उस चित्त का अधिष्ठात्री देवता विष्णु को माना गया है। इस प्रकार से ये जो विश्व और वैश्वानर जागृत काल में अपने उपाधिभूत स्थूल शरीरों में यथास्थान अवस्थित होकर उन उन इंद्रियों से अपने अपने स्थूल विषयों का अनुभव प्राप्त करते हैं। यह ग्रंथकार ने यहाँ तक कहा। इतना कहने के बाद में अब यहाँ ग्रंथकार आगे यह जो विश्व और वैश्वानर हैं, उस विश्व और वैश्वानर के एकत्व की भी बात करते हैं कि जैसे पहले कारण शरीर की समष्टि और व्यष्टि से उपहित चैतन्य, इन दोनों में वस्तुतः अभेद हैं, और फिर सूक्ष्म शरीर की समष्टि और व्यष्टि से उपहित चैतन्य में भी एकत्व का प्रतिपादन किया, उसी तरह से यहाँ भी स्थूल शरीर की समष्टि और व्यष्टि से उपहित चैतन्य में एकत्व का प्रतिपादन करते हुए ग्रंथकार ऐसा कहते हैं कि अत्रापि अनयोः, यहाँ भी ये जो दोनों विश्व और वैश्वानर जो स्थूल समष्टि और स्थूल व्यष्टि समष्टयो हो, जो स्थूल शरीर की समष्टि और स्थूल शरीर की व्यष्टि, तो स्थूल शरीर की जो समष्टि से उपहित चैतन्य वैश्वानर और स्थूल शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य विश्व, तो विश्व वैश्वानरयोश्च, वस्तुतः इन दोनों का वन वृक्षवत, वन और वृक्ष की तरह, और अथवा तद अवचिन्न आकाशवत, या जैसे वन और वृक्ष में वस्तुतः अभेद ही है। अगर हम समष्टि की विवक्षा से कहते हैं, बहुत सारे वृक्षों को समष्टि की विवक्षा से कहना चाहते हैं तो हम वन कहेंगे, और उन्हीं वृक्षों को व्यष्टि की विवक्षा से कहना है कि आम्रवनम अथवा आम्र वृक्ष, धव वृक्ष, खदीर वृक्ष, तो सब व्यष्टि हैं। तो वन और वृक्ष में वस्तुतः अभेद ही होता है। अथवा तदवचिन्न आकाशवत, अथवा वन से अवचिन्न आकाश वनाकाश, और वृक्ष से अवचिन्न आकाश वृक्षाकाश, इन दोनों आकाश में वस्तुतः अभेद ही है। एक और उदाहरण देते हैं कि जलाशय जलवत, अथवा जल और जलाशय और जल में वस्तुतः अभेद ही है। उसी तरह से जलगत प्रतिबिंब आकाशवच्च, तद्गत प्रतिबिंब आकाशवच्च, अथवा जैसे जलाशय में प्रतिबिंबित जो आकाश और जल में प्रतिबिंबित आकाश, उस जलाशयाकाश और जलाकाश में वस्तुतः अभेद ही है। पूर्ववद अभेद, पहले की तरह अभेद ही है, केवल यहाँ उपाधि का भेद है, वस्तुतः दोनों चैतन्य में कोई भेद नहीं है, अद्वैत की दृष्टि से दोनों एक ही है। इस प्रकार से यह जो समष्टि और व्यष्टि के रूप से जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इनका वर्णन करके अब यहाँ ग्रंथकार यह कहते हैं कि एवं इस प्रकार से पंचीकृत पंचभूतेभ्यः, ये जो पंचीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पंचीकृत जो पांच भूत हैं, जो पहले अपंचीकृत थे और पंचीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वो पंचीकृत भूत हो गए हैं, तो पंचीकृत इन पांच भूतों से स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ही, इस स्थूल स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है। यानी इस जिस प्रपंच का, जिस संसार का हम यहाँ भोग कर रहे हैं, इसका अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, इस स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। अब इस प्रकार से ये जो स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति बताने के बाद में इन तीनों ही जो कारण प्रपंच की समष्टि और सूक्ष्म प्रपंच की समष्टि और स्थूल प्रपंच की समष्टि और इनसे उपहित जो चैतन्य है, वस्तुतः इन सभी में जो चैतन्य भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः उन सभी में एक ही चैतन्य है। जैसे एक अत्यंत आधुनिक उदाहरण से हम लें, उदाहरण के द्वारा समझें, तो हमारे घर में जितने भी प्रकार के विद्युत के उपकरण लगे हुए हैं, भले ही कोई बल्ब है कि पंखा है कि रेफ्रिजरेटर है कि टीवी है, अलग अलग प्रकार के उपकरण हैं, उनका नाम अलग है, उनका रूप अलग है, उनका कार्य भी अलग अलग है,
लेकिन सभी उपकरणों में जो विद्युत शक्ति प्राप्त उन उपकरणों को हो रही है, वह विद्युत शक्ति तो वस्तुतः एक ही है, मूल स्वरूप में वह एक ही है। उसी प्रकार से इन समस्त समष्टि में, समस्त व्यष्टि में, समस्त शरीरों में ये जो चैतन्य है, यह चैतन्य अनुस्यूत है, यह वस्तुतः एक ही है। उसी को यहाँ ग्रंथकार इस प्रकार से कहते हैं कि एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि। देखो तीन प्रकार के प्रपंच हो गए, एक कारण प्रपंच हो गया, एक सूक्ष्म प्रपंच हो गया, एक स्थूल प्रपंच हो गया। और कारण शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य है, वह ईश्वर है। सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य है, वह सूत्रात्मा है। और स्थूल शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य है, वह है वैश्वानर। तो ये जो तीन प्रकार की तीन प्रकार के प्रपंच हैं, उस प्रपंच की जो समष्टि है, वह समष्टि एक महान प्रपंच है, बहुत ही एक महान प्रपंच। ये कहने तीनों प्रकार की जो कारण प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच, इन तीनों प्रपंचों की एक जो समष्टि अगर हम करते हैं, इन तीनों को मिलाकर फिर एक हम कहते हैं कि यह क्या है, तो कहा यह महान प्रपंच। ये इस संसार से भी एक और बड़ा संसार हो गया। एक उदाहरण से समझाते हैं यहाँ ग्रंथकार की, यथा अवांतर वनानाम समष्टिरेकं महद्वनं भवति। जैसे छोटे छोटे वन हैं, उन छोटे छोटे वनों को अगर हम मिला देते तो क्या बनता है, एक महावन बनता है। अथवा अवांतर जलाशयानाम समष्टि एको महान जलाशय। अथवा छोटे छोटे जो जलाशय हैं, तो वो छोटे छोटे जलाशयों का एक जो समूह है, उनको अगर मिला देते हैं तो उनका समूह समूह है, वह एक महान जलाशय बनता है। उसी प्रकार से इन कारण प्रपंच समष्टि, सूक्ष्म प्रपंच समष्टि और स्थूल प्रपंच समष्टि को भी अगर हम इनको मिला देते, यानी इन तीनों की जो समष्टि है वह एक महान प्रपंच होती है। और इन तीनों समष्टि से उपहित जो चैतन्य, कौन कौन से, तो कहा एतद उपहितम वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम, कि इनसे उपहित जो वैश्वानर से लेकर ईश्वर पर्यंत जो चैतन्य है, वह भी अवांतर वनावच्छिन्नाकाशवद अवांतर जलाशय गत प्रतिबिंब आकाशवच्च एकमेव। तो वह जो चैतन्य है, वह चैतन्य भी जैसे अवांतर वन और अवांतर वन से अवच्छिन्न जो आकाश है, वह वस्तुतः एक ही है। अथवा अवांतर जलाशय और उन अवांतर जलाशयों में प्रतिबिंबित जो आकाश है, वह वस्तुतः एक ही है। उसी प्रकार कारण प्रपंच की समष्टि और इस समष्टि में जो समष्टि से उपहित चैतन्य ईश्वर, इनमें रहने वाला जो चैतन्य, स्थूल प्रपंच की समष्टि और इस समष्टि से उपहित जो चैतन्य सूत्रात्मा, और स्थूल प्रपंच की समष्टि और स्थूल प्रपंच की समष्टि से उपहित चैतन्य वैश्वानर, इनमें जो रहने वाला चैतन्य है, वह वस्तुतः एक ही है। इस प्रकार से ग्रंथकार यहाँ इस चैतन्य के एकत्व का प्रतिपादन करके अब यहाँ जो ग्रंथ के आरंभ में अधिकारी के लक्षण के बाद में जो कहा था कि वह जो परम गुरु हैं, वह परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम उपदिशति। तो शिष्य को अध्यारोप अपवाद न्याय के द्वारा उपदेश देता है। तो फिर प्रश्न हुआ था कि अध्यारोप क्या है, तो कहा था कि वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप, अध्यारोप का लक्षण किया। और ये अध्यारोप कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया पूरी की पूरी वहां से लेकर यहाँ ये जो महान प्रपंच की उत्पत्ति होती है यहाँ तक बताई। अब इस अध्यारोप का यहाँ उपसंहार करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि आभ्याम किस आभ्याम, यानी इन दोनों के द्वारा, कौन दोनों, तो कहा महाप्रपंच। महाप्रपंच का अर्थ हुआ कारण शरीर की समष्टि, सूक्ष्म शरीर की समष्टि और स्थूल शरीर की समष्टि, और इन और महाप्रपंच, और कहा कि महाप्रपंच तद उपहित चैतन्य भाव। महाप्रपंच और महाप्रपंच से उपहित जो चैतन्य है, जो क्रमशः कारण शरीर में जो समष्टि और व्यष्टि के रूप में ईश्वर और प्राज्ञ, सूक्ष्म शरीर में समष्टि और व्यष्टि के रूप में हमने हिरण्यगर्भ और तेजस को पढ़ा, और स्थूल शरीर में समष्टि और व्यष्टि के रूप में वैश्वानर और विश्व को। तो यह जो चैतन्य, यह जो महाप्रपंच और महाप्रपंच के द्वारा जो उपहित जो चैतन्य है, उनके उनमें वस्तुतः तप्तायः पिंडवद अविविक्तम सद अनुपहितम चैतन्यम। इन दोनों से यह जो एक अविविक्त चैतन्य है, जिसको पहले हमने तुरीय चैतन्य भी कहा था, जो किसी भी उपाधि से रहित है,
तो वह किस प्रकार से है? तो कहा तप्ता यह पिंडवत, जैसे कोई लोहे का पिंड है वह तप्त है, किंतु जब तक हमें लोहे के पिंड में अग्नि है यानी अग्नि का और लोहे के पिंड का विविक्त ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम यही कहते हैं कि लोहा मुझे जला रहा है, अयोदहति। और जे तो इस प्रकार से तप्त जो अय पिंड है वह अविविक्तम, यानी तीनों चैतन्य हैं, यह तीनों चैतन्य दो तो हो गए, ये महाप्रपंच और महाप्रपंच के द्वारा उपहित जो चैतन्य, और तीसरा है अविविक्तम सद अनुपहितम चैतन्य। तो इस प्रकार से यह जो चैतन्य है यह सभी का सभी सर्वं खल्विदं ब्रह्म, यह जो श्रुति वाक्य है कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है, इस महाप्रपंच में, इस प्रपंच में जितने भी प्रकार के वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनमें भी जो विद्यमान चैतन्य है वह वस्तुतः एक ही है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यं भवति, यानी ये जो वाक्य है इस वाक्य का वाच्य बनता है। कब? जब ये जो महाप्रपंच और महाप्रपंच से उपहित चैतन्य, यह जो चैतन्य जब तप्ताय पिंडवत अविविक्त होता है, यानी हमें पृथक पृथक ज्ञान नहीं होता है, तब तक वह सर्वम खल्विदं ब्रह्म ये जो वाक्य है उस वाक्य का वह जो अनुपहित चैतन्य है वह इस वाक्य का वाच्य बनता है। और विविक्तम सदलक्ष्यमपि भवति, और जैसे ही विविक्त रूप से इन चैतन्य का ज्ञान होता है तो वह इस वाक्य का लक्ष्य भी बनता है। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के विषय में हमने थोड़ा सा पहले के पाठ में पढ़ा था, अब आगे जब ग्रंथकार जो लक्षणा का जब वर्णन करेंगे तब हम इस वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का वहाँ विशेष रूप से भी अध्ययन करेंगे। तो एवं वस्तुनि वस्त्वारोपोध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः। तो ग्रंथकार कहे कि इस प्रकार से ये जो लक्षण कहा था कि वस्तुनि अवस्त्वारोपः, वस्तु में अवस्तु का आरोप है, वह सामान्येन प्रदर्शितः, हमने यहाँ अत्यंत सामान्य रूप से बताया है और समास रूप से भी बताया है। विशेष रूप से और जो वेदांत के वाद ग्रंथ हैं और दूसरे जो प्रकरण ग्रंथ है उसमें हम देख सकते हैं। तो सामान्य रूप से यहाँ ग्रंथकार ने वस्तुनि अवस्त्वारोप, वस्तु क्या है, तो कहा वस्तु सच्चिदानंत, सच्चिदानंद अनंत अद्वय ब्रह्म ही वस्तु है, और उस ब्रह्म में अवस्तु, अवस्तु क्या है, तो कहा अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु। तो ये जो अज्ञान और अज्ञान से उपही अज्ञान से उत्पन्न ये जो समस्त संसार ये अवस्तु है, तो इस अवस्तु का उस वस्तु ब्रह्म में जो अध्यार आरोप हो जाता है, ब्रह्म में वस्तुतः संसार नहीं है, प्रपंच नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है, यही क्या है, यही अध्यारोप है। इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ अध्यारोप का उपसंहार किया। तो आज के पाठ में हम यहाँ विराम करते हैं। विराम से पहले आज का जो हमारा पाठ है उसका एक बार हम यहाँ सार देख लेते हैं। तो ये सार में हम ऐसा कह सकते हैं कि जागृत अवस्था में जो स्थूल शरीर की समष्टि और व्यष्टि से उपहित चैतन्य जो विश्व और वैश्वानर हैं, वह ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण के द्वारा स्थूल विषयों का अनुभव प्राप्त करते हैं, और इस विश्व और वैश्वानर में भी वन और वृक्ष की तरह अथवा जल और जलाशय की तरह पूर्ववत अभेद ही है। इन पंचीकृत भूतों से ही स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है, और ये जो स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंच हैं, तीन जो प्रपंच कहे हैं, और उन तीनों प्रपंचों की जो समष्टि है वह एक महान प्रपंच कही जाती है। जैसे अवांतर वनों का जो समूह है वह महावन कहा जाता है, अवांतर जलाशयों का जो समूह है वो महान जलाशय कहा जाता है, उसी तरह से ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच, इनमें रहने वाला चैतन्य और इनसे इनमें यानी इनसे उपहित जो वैश्वानर से लेकर ईश्वर पर्यंत जो चैतन्य है वह वस्तुतः एक ही है। तो इस महाप्रपंच और इस महाप्रपंच से उपहित जो चैतन्य है उनके द्वारा जो अनुपहित चैतन्य है वह जब अविविक्त होता है तब वह सर्वं खल्विदं ब्रह्म इस महावाक्य का वह वाच्य होता है, और विविक्त होता है तब वह इसका लक्ष्य भी बनता है। इस प्रकार से ग्रंथकार ने
वस्तुनी अवस्वारोपः अध्यारोपः, यह जो ग्रंथकार ने आरंभ में प्रतिज्ञा की थी वह वस्तुतः सामान्य रूप से, समास रूप से ग्रंथकार ने यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। तो इस प्रकार से हम आज का जो पाठ है उसका यहीं विराम करते हैं। आप सभी इस स्वाध्याय की कड़ी में बहुत ही प्रेम पूर्वक जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।